सब्सक्राइब करें गैजेट्स टीएलके को और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग गैजेट्स टीएलके। गाइस, एक और कैमरा लेके आया हूँ मैं, ऐसे ही कैमरे लेके आऊँगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड तो गाइस, ये है एक पावर बैंक कैमरा। मैंने पहले ही दो पावर बैंक कैमरे की वीडियो बना के रखी है, आप जाके आई के बटन पर जाके क्लिक करके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं एक और मिनी कैमरा लेके आया हूँ, ये भी एक पावर बैंक कैमरा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपने गैजेट के पास। गाइस, ये है मिनी पावर बैंक कैमरा, जैसे कि आप बॉक्स के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक ये मिल जाता है आपको यहाँ पर, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक दिया गया है। ये आपको बार कोड के साथ मिलता है, द पावर एंड रिकॉर्डिंग कैमरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप तो गाइस, इसे अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसी इंटरेस्टेड कैमरों की। तो गाइस, चलिए इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग के अंदर एक और हमें एक और पैकेट मिल जाता है, मल्टी फंक्शन पावर बैंक मिनी DV। एंड इस साइड इसका मॉडल नंबर SP007S एंड बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरह दिया गया है। तो अभी हम इसे ओपन करते हैं। ओपन में हमें सबसे ऊपर हमें ये एक पैकेट मिल जाता है, इसके अंदर पावर बैंक होगा। एंड अंदर की साइड देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें एक डेटा केबल मिल जाता है, ये बिल्कुल डेटा केबल है, हाँ ये एक डेटा केबल मिल जाता है। तो अभी हम साइड में रखते हैं इसको। एंड हमें मिलता है ये एक पावर बैंक कैमरा। तो ये है एक पावर बैंक कैमरा, इससे आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो एंड इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ से अभी देखते हैं। ओके, ये एक हमें एक इसके ऊपर लगाने के लिए स्टिकर टाइप का मिल जाता है, पूरा ये फाइबर का बना हुआ है। एंड यहाँ पे मेमोरी का स्लॉट मिल जाता है गाइस। तो यहाँ पे मेमोरी का स्लॉट मिल जाता है एंड आगे की साइड एक USB पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो एंड पावर बैंक को यहाँ से चार्ज कर सकते हो इसकी हेल्प से। इसके अंदर पुट करके इसको ये चार्ज कर सकते हो। एंड ये है एक कैमरा, आप देख रहे होंगे ये कैमरा है एंड ये है माइक, यहाँ पे ये माइक दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको 30, 70 एंड 100% के वो दिख जाता है। तो यहाँ पे तीन यहाँ पे लाइटिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम इसको बटन का यूज़ करते हैं, क्या होता है इससे। यहाँ पे 30% पे एक रेड लाइट जलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा इसमें अभी, क्योंकि इसमें मेमोरी कार्ड डाला नहीं है हमने। तो इसके अंदर हम अभी एक मेमोरी कार्ड डालते हैं। इसमें 32 GB तक ये सपोर्ट करता है, 32 GB तक आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये अब 16 GB का मेमोरी कार्ड ले रहा हूँ, साइंटिस्ट का ओरिजिनल मेमोरी कार्ड है ये। तो अभी हम इसके अंदर पुट करते हैं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसका समझ आ जाएगा। एंड बाय करने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सारे गैजेट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो एंड कैसे आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो अभी हम इसको ऑफ करते हैं। तो गाइस, ये हो गया। अब इसके अंदर मैंने 16 GB का मेमोरी कार्ड डाल दिया है, अब इसे हम ऑपरेट करेंगे। तो ये जो बटन दिया गया है, तो चलिए हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने पर हमें देखते हैं, इसको ऑन किया हमने, प्रेस किया 2 सेकंड के लिए प्रेस किया, तो यहाँ पे 30% पे एक लाइट रेड कलर का लाइट जला। ठीक है, यानी कि ये अभी स्टैंड बाय मोड पर है। इसको इसकी वीडियो लेने के लिए आपको ये सिंगल क्लिक करना पड़ेगा, ये सिंगल क्लिक कीजिए, लाइट 3 बार ब्लिंक करेगा एंड परमानेंट ऑफ हो जाएगा। दैट्स मीन वीडियो रिकॉर्डिंग अभी इसके अंदर चल रहा है। आप इसके अंदर 4 से 5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो इजीली एंड 32 GB में। अगर 16 GB में करेंगे 2 घंटे की इजीली आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर देगा। तो ये अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, काफ़ी अच्छी खासी इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, HD वीडियो रिकॉर्ड होता है इसमें। तो अभी इसे प्रेस कीजिए वीडियो सेव करने के लिए, सिंगल क्लिक, लाइट वापस आ गया। तो अब इसमें लाइट वापस आ गई, दोबारा स्टैंड बाय मोड पर चला गया, मैंने एक वीडियो इसमें कैप्चरिंग कर ली है। तो अभी इसमें एक मोशन डिटेक्टर भी है, इसमें मोशन डिटेक्शन भी है। तो उसको ऑन करने के लिए इसको 2 से 3 सेकंड प्रेस करके रखिए, 1 2 3। तो गाइस, यहाँ पे ये देखिए,
यहाँ पे ब्लू लाइट जला एंड ऑफ हो गया, यानी कि ये मोशन डिटेक्शन ऑन हो गया। इसके आसपास जो भी हलचल होगी वो कैप्चर कर लेगा। सिंगल क्लिक करने पर लाइट वापस आता है। तो गैस मोशन डिटेक्शन के लिए आपको इसमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, वो सॉरी उसके लिए नहीं है, तो वो ऑफ़ करने के लिए आपको बटन दिया गया था, आप 3 से 4 सेकंड तक बटन को दबा के रखेंगे तो ये परमानेंट ऑफ हो जाएगा। और मोशन डिटेक्शन के लिए डबल क्लिक कीजिए इसी बटन को, ये देखिए वापस आ गया, यानी कि ये मोशन डिटेक्शन हो जाता है इसमें। ठीक है, तो गाइस वीडियो मैंने सेव कर लिया, इसमें वीडियो देखने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम डेटा केबल का यूज़ करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं सपोर्ट करता तो आप इसको मेमोरी का निकाल कर आप इसको दोबारा देख सकते हो, बट इसको आप कभी खोइएगा नहीं, क्योंकि ये आपको ही पीस मिलता है इसके साथ। आप इसके ऊपर सिंपली आप ऐसे लगा दीजिए मेमोरी कार्ड डालकर, एंड देखिए ये बिल्कुल यूज़ करने के लिए रेडी हो गया। किसी को नहीं पता लगेगा इसके अंदर कैमरा है। तो चलते हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी हम देखते हैं इसकी वीडियो को। हमें इसमें मैं पहले इसके अंदर एक डेटा केबल लगा देता हूँ, डेटा केबल कनेक्ट कर लेते हैं हम इससे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर लाइट जल गया, यहाँ पर इंडिकेट हो गया। अब मेरी जाइए स्क्रीन पर, यहाँ पर ये हो गया, आप जाइए स्क्रीन पर। हम चलते हैं एंड हमें जाना है यहाँ पर सीधे फाइल में, क्लिक किया एंड डी सी आई एम के नाम से एक फ़ोल्डर बनेगा, इस पर डबल क्लिक कीजिए एंड 100 DCIM के नाम से एक और फोल्डर मिलेगा। एंड यहाँ पे हमने 3 वीडियो कैप्चर किया था, तो हम पहले प्ले करते हैं, देखिएगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ इसमें वीडियो रिकॉर्ड आता है। देखिए वॉइस के साथ इसके अंदर आपको मिल जाता है, इसमें वॉइस कमांडर भी है, दोनों साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको, यहाँ पे टाइमिंग भी आपको दिखाता है। तो ये मैंने टाइमिंग चेंज करने के लिए आपको एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारी पुरानी वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे दूसरी वीडियो देखिए सेम, थोड़ी कम है ये। गाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ईजिली मिल जाएगा। आपको इसे 1 घंटे के लिए, जब भी आप इसको मंगाएंगे तो आप 1 घंटे के लिए इसको चार्ज कीजिएगा, ये 1 घंटे में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। 30% ही दिखाएगा, 70% तब दिखाएगा जब ये फुल चार्ज हो जाएगा। 100% इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि इसमें ये मोशन डिटेक्शन की एक LED ब्लू कलर में दिया जाता है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप यहां से परचेज कर सकते हो। और प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।